मंच मत लाओ यार। मैं दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी के हो रहे इस विशाल राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सभी विरोधी पार्टियों में से सबसे पहले बीजेपी एनडीए की गलत नीतियों या गलत कार्यशैली के बारे में कहना चाहूंगी कि जब से केंद्र में या देश के कई राज्यों में भी बीजेपी एनडीए की सरकारें बनी हैं, तो तब से इन्होंने अपने खासकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी और पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक और पूंजीवादी सोच के तहत चलकर पूरे देश के सब समाज में से विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मुस्लिम बयाने धार्मिक अल्पसंख्यकों मजदूरों किसानों व्यापारियों आदि का हर मामले में या हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण दल आदि किया है, तो अभी तक भी लगातार जारी है। और दलितों के मामले में तो इन्होंने शुरू से ही अपने इसी एजेंडे को आगे रखकर पहले हैदराबाद का दलित रोहित पेमूला कांड, फिर गुजरात का दलित पूरा कांड कराया और फिर इसके बाद इन्होंने एक सोची समझी राजनीति साजिश का षड्यंत्र के तहत ही उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सफीरपुर गांव में पिछले वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के कुछ दिन बाद ही वहाँ महाराणा प्रताप की हुई जयंती के मौके पर जुलूस निकालने के एक मामूली सी बात को लेकर वे उसकी आड़ में वहाँ जान बूझ कर दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि कराया, इसका पर्दाफाश करने जनहित से जुड़े अन्य और जरूरी मुद्दों पर भी मैंने राज्यसभा के नियमों के सदन में अपनी बात रखनी शुरू की, तो तब फिर सदन में बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के साजिश के तहत ही खासकर सहारनपुर जिले के सफीरपुर गांव में हुए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर मुझे इन्होंने क्या अपनी पूरी बात को भी ठीक ढंग से नहीं रखने दिया था, इसे अति गंभीरता से लेते हुए ही फिर मैंने ये सोचकर अपने राज्यसभा के पद से उसी दिन अर्थात पिछले वर्ष दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को ही तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात संसद के अंदर भी अपने देश के खासकर दुखी व पीड़ित एवं कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ अपनी पूरी बात भी ठीक ढंग से नहीं रख सकती हूँ, इनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है।
जिसे पार्टी की सरकार ने केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति अपनी हीन जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इसे लागू नहीं किया था। आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद तो केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, राज्यों में भी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अच्छे प्रयासों से आपके संविधान में आर्टिकल 340 के तहत तो अंडर कमीशन बैठा था, किसके लिए? तो अति पिछड़े वर्ग के लोग तो रह गए थे, वंचित रह गए थे, जिन कारणों की वजह से आप लोगों को मालूम है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी ऐसी वर्गों के लोगों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों पर अन्य और क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा दिलाने के साथ साथ जो जातियां छूट गई थी एससी एसटी की तरह ही, तो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो जातियां पिछड़ी हुई थी इन्हें आज हम अन्य पिछड़े वर्गों के नाम से जानते हैं, तो इनको आरक्षण की सुविधा दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की थी। इसके तहत अंडर कमीशन गठित किया गया था और केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो उस समय अंडर कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, हमारी पार्टी भी बन गई थी। तो हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार के ऊपर, कांग्रेस पावर में थी तो केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। तब फिर हमारी पार्टी ने पूरे देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए तो कांग्रेस और केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। और दिल्ली देश की राजधानी है, वोट क्लब पर हमारी पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए 6 महीने तक लगभग 6 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। इसका आगे चलकर नतीजा फिर ये हुआ कि देश में सन 1989 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसके स्थान पर फिर जनता दल के नेता श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी। इसको उस समय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने विभाग से अपना समर्थन किया हुआ था और उस दौरान हमारी पार्टी के भी तो लोकसभा में पहली बार तो 3 सांसद चुनकर आए थे, जिसमें मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से जिला बिजनौर के जो बिजनौर लोकसभा सीट है तो वहां से मैं पहली बार 1989 में लोकसभा के सदस्य चुनकर आई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि बीएसपी या तो उनकी सरकार में शामिल हो जाए या फिर इनको बाहर से अपना समर्थन दे दे। इस पर फिर हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से सोच विचार किया और हमने फिर उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमारे 2 शर्तें हैं, यदि आप हमारी 2 शर्तें मान लेते हैं तो हम आपको सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन बाहर से समर्थन दे देंगे। ऐसी शर्तें हैं कि केंद्र में लंबे अरसे तक आजादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी पावर में रहे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश भर में तो आंदोलन करते रहे, इस बात को लेकर कांग्रेस से आग्रह करते रहे, विशेष आग्रह करते रहे केंद्र की सरकार से उस समय कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से
सम्मानित किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से उस समय सम्मानित नहीं किया था। तो हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमारी पहली शर्त यह है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें, और दूसरी शर्त यह है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में तो पिछले वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है, तो आप उसे लागू कर दें। यदि आप हमारी ये दो शर्तें खास मान लेते हैं तो हम आपको भाषण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और अच्छी बात ये रही उस समय कि श्री बीपी सिंह ने हमारी इन दोनों शर्तों को मान लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी उन्होंने लागू कर दिया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी को बाहर से श्री बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को यह समर्थन नहीं लगा और नतीजा क्या हुआ? फिर भारतीय जनता पार्टी ने श्री बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी लेकर इनकी सरकार को गिरा दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने का तो पूरे देश भर में इसका जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया। लेकिन अब केंद्र में वर्तमान बीजेपी की सरकार इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ में, तो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ में आए दिन या किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। और इसका ताजा उदाहरण यह है कि आप जब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का समय बहुत कम रह गया है, तो अब इनको यहाँ अचानक पिछड़े वर्ग के हित में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की याद आ गई। इसके साथ ही अब इन वर्गों की दो कैटेगरी बनाने के लिए आयोग गठित करने की भी इनको याद आ गई है। और ये सब केवल इनका अपना राजनीतिक स्वार्थ हथकंडाई है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार के चलते हुए इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने पर उस समय बीजेपी ने इनकी सरकार गिरा दी थी, और साथ ही इसके विरोध में फिर उन्होंने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। ऐसी स्थिति में अब अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इनके इन सब प्रलोभन लालच आदि के बहकावे में कहीं आना है। तो इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में दलितों पे आदिवासियों के साथ साथ यहाँ ओबीसी वर्गों के ऊपर भी हर स्तर पर बड़े पैमाने पर सोशल में उत्पीड़न आदि हो रहा है। इसके साथ साथ इनकी गलत नीतियों पे गलत कार्यशैली की वजह से पूरे देश में मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब मजदूर किसान व्यापारी आदि लोगों की हालत हमें अभी तक की कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। और अभी जब आपको मालूम है कि देश के लोकसभा आम चुनाव का समय बहुत कम रह गया है, तो चुनाव से पहले इस बार तो केंद्र की सरकार ने बीजेपी ने तो बजट रखा है, और खास रूप से किसानों को गरीबों को तो उन्होंने लुभाने की कोशिश की है। जब चुनाव का बहुत कम समय रह गया है जिसको वो एक साल के इंक्रीमेंट भी नहीं कर पाएंगे, मैं समझती हूँ इससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि सन 2014 में जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे तो उस समय भी इन्होंने पूरे देश की आम जनता को, हर भारत के लोगों को, विभिन्न क्षेत्र में लगे लोगों को किस्म किस्म के सपने दिखाए थे। और गरीब और मजलूमों को तो खास कर ये कहा था
जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये अपने देश का जो काला धन विदेश में जमा है, जब केंद्र में बीजेपी पावर में आएगी तो 100 दिनों के अंदर ही उस पैसों को वापस लाकर तो देश के हर गरीब परिवार में हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। पूछना चाहती हूँ कि किसे खाते में 15-20 लाख रुपए आए हैं? मैं समझती हूँ किसी के खाते में, इसे खास तौर से किसानों को लेकर और गरीबों को लेकर, मजदूरों को लेकर तो और विभिन्न अन्य और क्षेत्रों में तो उन्होंने इस बार जो बजट लाए हैं ये केवल आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसे हालातों में अब हमारी पार्टी ने इन सभी दुखी में पीड़ित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने, इन्हें जुर्म जाति से भी निजात दिलाने के लिए ही इन्हें पूरे देश भर में हर स्तर पर तैयार करने, संकित करने का ही फैसला लिया है। इसके लिए ही आज मैं यहाँ आपके बीच में आई हूँ, और तभी फिर ये लोग केंद्र में राज्यों की भी सत्ता तक पहुँच सकते हैं, और तभी फिर इनका पूर्ण रूप से विकास का उत्थान भी हो सकता है, और तभी फिर इनको जुर्म जाति आदि से भी मुक्ति मिल सकती है। और इस संबंध में ऐसे आप लोगों को ये मालूम है, जब उत्तर प्रदेश में सन 1995 में पहली बार हमारी पार्टी की कुछ ही महीनों के लिए सरकार बनी थी, तो तब फिर हमारी पार्टी की रही सरकार ने वैसे तो वहाँ सब समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा था, लेकिन हर मामले में हर स्तर पर प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सब समाज में से खासकर उन कमजोर वे उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी थी, जिनकी वहाँ पूर्व की रही सभी सरकारों में उनकी जातिवादी वे संकीर्ण सोच होने की वजह से काफी ज्यादा उपेक्षा की गई थी। और इस बात का हमेशा हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों सरकारों में विशेष ध्यान रखा था, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने अपने पहले रहे शासनकाल के दौरान ही यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ असहाय लोगों के भी हित कल्याण के लिए देश में पहली बार वहाँ इनके नाम पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में यहाँ इनके नाम पर अलग अलग से राज्य स्तरीय कल्याण विभागों का गठन करके इनके अलग अलग से मंत्रालय एवं मंत्री आदि भी बना के इन वर्गों के हित में कल्याण का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा था। इसके साथ साथ हमारी रही सरकार ने वहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों, युवाओं, महिलाओं व छात्रों आदि के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, और खासकर किसानों के हितों का तो हमारी नई सरकार ने हर स्तर पर पूरा पूरा ध्यान रखा है, जिसकी वजह से फिर मेरी नई हुकूमत में वहाँ किसी भी एक किसान ने अपनी आत्महत्या तक भी नहीं की है, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में जहाँ आए दिन कोई ना कोई किसान अपने किसी ना किसी समस्या को लेकर अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी नई सरकार ने वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए इन्हें केवल हवा हवाई खोखले आश्वासन नहीं देते, बल्कि इन्हें जमीनी हकीकत में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी नई सरकार ने वहाँ देश में समय समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के जन में अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी यहाँ पूर्व की रही सभी सरकारों में उनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। और जहाँ आपके
दिल्ली प्रदेश में भी उपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों राज्य शासन काल में वहाँ कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में भी हर स्तर पर काफी बेहतरीन सरकार दी है, जिसे वहाँ की जनता आज भी याद करती है। और इस मामले में हमने वहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विशेष ध्यान रखा है, जिनके आपके यहाँ दिल्ली प्रदेश में अभी तक भी काफी ज्यादा उपेक्षा की जा रही है। और अभी भी इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को यहाँ न्याय देना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि उनके अधिकांश थानों में FIR तक भी दर्ज नहीं की जाती है, जबकि हमारी नई सरकार ने वहाँ उत्तर प्रदेश में इन वर्गों के लोगों के साथ साथ अन्य सभी समाज के लोगों के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिया है। अर्थात हमने वहाँ धर्म जाति राजनीति द्वेष से ऊपर उठकर जुर्म जाति करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, कहाँ उनकी मेरी सरकार में असली व सही जगह होती है। लेकिन अब वहाँ वर्तमान भाजपा सरकार में देश के अन्य राज्यों में भी अधिकांश ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपने प्रदेश में केंद्र में भी, अपने दिल्ली प्रदेश में केंद्र में भी अपनी पार्टी BSP को ही सत्ता में लाना हो। और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ सर्व समाज में से सभी दुखी पीड़ित एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को भी खासकर BJP की केंद्र एवं राज्य सरकारों की गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणाली के बारे में तथा इनके हिंदुत्ववादी RSS के एजेंडे के बारे में भी बताना है। और साथ ही इन्हें अपनी पार्टी के बड़े पैमाने पर जोड़ना भी है। इसके साथ साथ इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से तथा इनके हवा हवाई वायदों वे खोखली बातों से भी इन्हें जरूर सावधान रखना है। हालांकि इस संदर्भ में ऐसे आप लोगों को ये मालूम है कि देश में सन 2014 में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में इन्होंने अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने तथा अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के साथ साथ यहाँ खासकर अपने देश की गरीबी एवं बेरोजगारी को भी दूर करने के लिए इन्होंने किस्म किस्म के वायदे किए थे। इसके साथ ही गरीब बेघर लोगों को फ्री में सरकारी मकान बनाकर देने, पहने सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य एवं शौचालय वे अन्य सभी रोजमर्रा की जरूरतों को सस्ती व समय से उपलब्ध कराने तथा किसानों की आय दोगुना करने की ये बातें तो काफी बड़ी बड़ी कही हैं। लेकिन इन सब मामलों में पूरे देश के लोगों को अभी तक भी अधिकांश निराशा ही देखने के लिए मिल रही है। और अब देश में लोकसभा के आम चुनाव पे इससे पहले कुछ राज्यों में, देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के भी आम चुनाव नजदीक होने की वजह से फिर से इन्होंने सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही खासकर यह देश के गरीब, असहाय व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किस्म किस्म की केवल हवा हवाई व लुभावनी योजनाओं का ऐलान करके इन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया है, जिनके बहकावे में अब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ये लोग अपने पूरे देश को ही विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए यहाँ अपनी सभी विरोधी पार्टियों को कमजोर में खत्म करने के लिए केंद्र में अपनी राज्य सरकारों की भी सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस मामले में खासकर ये लोग CBI, इनकम टैक्स व ED आदि का तो काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने व काले धन को बाहर निकालने के नाम पर भी ज्यादातर के लोग
यहाँ अपने विरोधी पार्टियों के लोगों को भी अपना खास निशाना बनाए हुए, लेकिन अपनी खुद की पार्टी के यूरोपियन कंपनी के लोग अपनी खुद की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सरकारों के ऊपर भी आए दिन भाजपा के आए दिन भ्रष्टाचार के भाजपा के लोगों पर या उनकी सरकार पर आए दिन भ्रष्टाचार के लग रहे और ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, जिसके तरफ भी देश की जनता की काफी पहली नजर। इसके साथ ही अब तो इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ संविधानिक संस्थाओं मीडिया आदि को भी काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया है। इस प्रकार से अब इन्होंने पूरे देश में अपने लोकतंत्र को ही काफी हद तक कमजोर कर दिया और अब इनका पूरे देश में अधिकांश यहाँ तानाशाही मनमानी वाला राज ही चल रहा है। ऐसे में अब आप लोगों को अपने प्रदेश में अपने दिल्ली प्रदेश में रात दिन मेहनत करके क्या अपनी विरोधी पार्टियों को यहाँ अपने सभी विरोधी पार्टियों को और खासकर बीजेपी में के एनडीए को कमजोर करने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बड़े पैमाने पर बढ़ाना है और इन्हें हर स्तर पर इनके सभी षड्यंत्रों और हथकंडों आदि से भी जरूर सावधान रखना है। तभी फिर पूरे देश में इनके चल रहे तानाशाही मनमानी वाले राज पर काफी कुछ अंकुश लाया जा सकता है और साथ ही इनके हिंदुत्ववादी खास संगठन अर्थात आरएसएस के जातिवादी संकीर्ण संप्रदाय एजेंडे को भी काफी हद तक प्रभावहीन बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपके प्रदेश में आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में और देश में इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में भी सभी विरोधी पार्टियों को और खासकर बीजेपी के एनडीए को केंद्र व राज्यों में भी सत्ता में आने से रोकना होगा और ये सब करना आप लोगों को इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि तो इन्होंने मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ क्योंकि तो इन्होंने साल 2014 में देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव में पूरे देश की आम जनता को हर स्तर पर जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे असीम से चुनावी वायदे किए थे तो उनमें से अभी तक भी उन्होंने अपने लगभग एक चौथाई वायदे भी पूरे नहीं किए। इसके साथ ही इनके खासकर नोटबंदी जीएसटी को लेकर बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से तो अब पूरे देश की अधिकांश जनता बहुत ज्यादा दुखी है और अब इससे पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी महंगाई व अन्य और गंभीर समस्याएं भी काफी ज्यादा उत्पन्न हो गई है पैदा हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था भी अब आए दिन काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है जिसको लेकर अब तो इनकी अपनी खुद की पार्टी में भी काफी खुलकर लोध होने लगा है। इसके अलावा इनकी कही गई ये बात कि सबका साथ ते सबका विकास भी अब यहाँ खासकर दुखी व पीड़ित एवं अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए केवल एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गया और अब ऐसे खराब हालातों के चलते हुए कभी भी यहाँ बीजेपी के राज में नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता है और विशेषकर देश के दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके पूर्व में लंबे अरसे तक केंद्र व अधिकांश राज्यों में रही कांग्रेस पार्टी की सरकारों की भी अब तक रही सोच नीति नियमदारी को देखते हुए आगे भी इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में इन वर्गों का कभी भी ठीक ढंग से विकास व उत्थान नहीं हो सकता और ना ही इन्हें स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। बशर्ते जब तक
इन वर्गों के प्रति उनकी जातिवादी संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, तो अभी तक भी हमें पूरे तौर से बदली हुई नजर नहीं आई है। और ऐसे तो दिल्ली प्रदेश के लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को भी आजमाया, बीजेपी की भी सरकार को, और इसके बाद आम आदमी पार्टी की भी सरकार को आप लोगों ने आजमाया है। लेकिन आपके दिल्ली प्रदेश में तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, या मध्यम वर्ग के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो इनकी जो समस्याएं हैं विभिन्न क्षेत्र में जो उनकी समस्याएं हैं, तो उनका समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। मीडिया आदि में तो जरूर बढ़िया बढ़िया बातें कही जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके ऐसे में यदि बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के लोग उत्तर प्रदेश में नहीं, इसके ऐसे में यदि बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के लोग उत्तर प्रदेश में रही बीएसपी की सरकार के कार्यों की कितनी भी नकल आदि क्यों ना कर ले, तो भी इससे इन वर्गों को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता जब तक पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि यदि ये लोग इन वर्गों के यानी कि दलित आदिवासी अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं खासकर, और इतना ही नहीं बल्कि यदि ये लोग तो विरोधी पार्टियों के लोग इन वर्गों के किसी भी व्यक्ति को अपने अपने पार्टी के संगठन में बड़े से बड़ा पद भी क्यों न दे। इसके साथ ही ये लोग इन वर्गों में से किसी को भी स्टेट का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति आदि भी क्यों न बना दे, तो भी इन वर्गों में से सीएम व पीएम तथा राष्ट्रपति आदि बने लोग अपने समाज का कतई भी भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग इन पार्टियों की सोच के हिसाब से ही कार्य करेंगे, अर्थात बंधुआ मजदूरी बनकर कार्य करेंगे। और यदि ये लोग मजदूर बन के कार्य नहीं करते हैं, ईमानदारी निष्ठा से करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये लोग इन पदों पर ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकते। ऐसे में इनके इन पदों पर बने रहने से या ना रहने से भी इन बंधुओं को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। बंधुआ मजदूरों के बने रहने से चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए दूसरी पार्टियों में, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति देश के बन जाए, कुछ आपका लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब मेरा देश के विशेषकर और यहाँ दिल्ली के भी तो विशेषकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तथा इन वर्गों में से धर्म परिवर्तन करके गए लोगों को भी सावधानी के तौर पर यही कहना है, जो सिख मुस्लिम ईसाई पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, उनसे भी यही कहना है कि ऐसे खराब हालातों में अब इन सभी वर्गों के लोगों को केवल अपने एकमात्र रहे मसीहा वे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सलाह मानकर पहले आपस में एकजुट होकर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ले लीजिए। तभी फिर इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जहाँ भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इन पर हर स्तर पर हो रही जुन जाति से भी इन्हें छुटकारा मिल सकता है, जिसका एहसास हमने उत्तर प्रदेश में चार बार यहाँ अपनी पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार में किया भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अभी यहाँ हमारी पार्टी को
अब यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को सभी विरोधी पार्टियों के लोग किस्म किस्म के षड्यंत्र हथकंडे आदि इस्तेमाल करके इसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। और इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी अकेले यहाँ पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आ गई थी तो तब यहाँ सभी विरोधी जातिवादी पार्टियों ने इसे अपने आगे के लिए खतरे की घंटी मानकर खतरे की घंटी समझकर इनके सभी विरोधी पार्टियां बीएसपी के खिलाफ अंदर अंदर एकजुट हो गई सभी विरोधी पार्टियां। और जिसकी वजह से सन 2012 में हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। इसके बाद इन्होंने यहाँ सन 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में और फिर सन 2017 के हुए विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पर बेईमानी आदि करके खासकर हमारी पार्टी को या उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जिसके खिलाफ फिर हमारी पार्टी को इनकी धांधली पर बेईमानी आदि को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा है। उसमें हमें फिर आगे के लिए थोड़ी राहत की उम्मीद भी बनी है। इसके साथ साथ यहाँ मेरा इनकी धांधली बेईमानी को लेकर खासकर बीजेपी के लोगों से ये भी कहना है यदि बीजेपी के लोग अपने आप को पूरे तौर से ईमानदार में धूप के धुले हुए समझते हैं तो तब फिर ये लोग पूरे देश में यहाँ आगे होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना कराकर यहाँ पुराने पैटर्न पर ही अर्थात बैलेट पेपर के जरिए ही करवाने से क्यों घबराते हैं, तो इससे क्यों ये लोग दूर भागते हैं, इसका मतलब जरूर उस दाल में काला दाल में बहुत ज्यादा काला। ऐसी स्थिति में इसे अब ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि देश में खासकर सन 2014 से अभी तक जो भी ईवीएम के जरिए चुनाव हुए हैं तो उनमें अधिकांश इन्होंने कुछ ना कुछ बेईमानी में गड़बड़ी आदि जरूर की है। इसे ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के मामले में अभी तक की पूरे तौर से चुप भी साधे हुए हैं। और आप लोगों को हालांकि हमारी पार्टी के बनने के बाद से ही क्या सभी विरोधी हमारी पार्टी के बनने के बाद से ही क्या सभी विरोधी व जातिवादी पार्टियों के लोग जब से बीएसपी का गठन हुआ 14 अप्रैल 1984 को तो बीएसपी के गठन के बाद से ही बीएसपी के बनने के बाद से ही क्या सभी विरोधी व जातिवादी पार्टियों के लोग किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए। और इस बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि जब 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था तो तब शुरू के कई वर्षों तक खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी के बारे में जानबूझकर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत तो उनके छवि को धूमिल करने या बीएसपी को कमजोर करने के लिए ही आए दिन समय उन पर ये अति गंभीर आरोप लगाते रहते थे माननीय कांशीराम जी के बारे में कि इनके पास अपनी पार्टी को यानी कि बीएसपी को चलाने के लिए पैसा बाहर के देशों से आता है प्रचार करते थे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग। और ये सीआईए के बड़े भारी एजेंट भी माननीय काशीराम जी के बारे में एक गलत प्रचार करते थे आप लोगों को मालूम है ताकि इनसे जुड़े लोग माननीय श्री काशीराम जी और बीएसपी से जुड़े लोग विरोधी पार्टियों के इन आरोपों से गुमराह होकर फिर इनके आर्थिक मदद न कर सके। और अब इसी षड्यंत्र रणनीति के तहत ही ये विरोधी लोग
तेरे खुद की भी छवि को धूमिल करने और बीएसपी को कमजोर करने के लिए ही अपनी पार्टी की आर्थिक मदद हेतु समय समय पर इकट्ठा किए जाने वाले धन को भी काफी गलत तरीके से प्रचारित करते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोग मेरे जन्मदिन पर या पार्टी के प्रोग्राम के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं अपनी मूवमेंट को चलाने के लिए, तो विरोधी पार्टियों के लोग इसका अलग तरीके से दुष्प्रचार करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी अपनी मूवमेंट को चलाने के लिए या सरकार को तैयार करने के लिए दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं से उनकी खून पसीने की कमाई का थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर अपनी पार्टी को चला रही है, संकल्प को चला रही है, मूवमेंट को चला रही है और चुनाव भी लड़ती है। हमारी पार्टी बड़े बड़े दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा क्यों नहीं लेती है, कि जिस दिन हम विरोधी पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी बीजेपी या अन्य विरोधी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर अपनी पार्टियों को चलाएंगे, आप लोगों को मालूम है सहारे के साथ साथ इशारा भी आ जाएगा, तो फिर हम लोग जब अपनी सरकार चलाएंगे तो फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के हिसाब से नीति बनाएंगे, उसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। और यदि आप लोग गरीब लोग मध्यम वर्ग के लोग अपना भला चाहते हैं तो आप लोगों को बड़े बड़े पूंजीपतियों से दूसरी पार्टियों की तरह पैसा ना लेकर, तो जब भी आपको पार्टी को आर्थिक सहयोग देने के लिए जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उसको ईमानदारी निष्ठा से आप लोगों को निभाना चाहिए। भी मेरी आप लोगों से अपील है। और यह मालूम है विरोधी पार्टियों को कि बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या माननीय काशीराम जी जब जीती थे जब पार्टी बनी थी उनके बारे में गलत प्रचार करते थे, और जब आप लोग मुझे आर्थिक सहयोग देते हैं तो फिर गलत प्रचार कर रहे हैं, ताकि आप लोग बीएसपी को आर्थिक सहयोग देना बंद करें, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए विरोधी पार्टियों को कि यदि मुझे अपने खुद के लिए धन दौलत इकट्ठा करने का लालच एवं स्वार्थ आदि होता तो तब फिर मैं भी दूसरी पार्टियों की तरह ही आपके यहाँ दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरह ही उत्तर प्रदेश में एक एक राज्यसभा की सीट के लिए वहां काफी मोटी रकम लेकर केवल धरना सेठों को ही राज्यसभा में बिठा सकती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने चाहे राज्यसभा में अपने लोगों को भेजा है या विधान परिषद में मैंने जमीन से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके बीच में श्री धर्मवीर सिंह का तो क्या मौजूद है, इनको मैंने विधान परिषद में भेजा ये बता दें कि कितना पैसा इन्होंने दिया है, एक पैसा नहीं बल्कि नामांकन की फीस भी हमारे पार्टी कार्यालय तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी पार्टी चाहे राज्यसभा में कार्य भेजने का मामला हो या विधान परिषद में हम जमीन से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ता को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजते, और यदि हम हमें पैसे का लालच होता मुझे खास तौर से जब से चार बार हमारी सरकार बनी और हमने राज्यसभा में अब तक काफी लोगों को यहाँ पर राज्यसभा में भेजा है चुनकर विधान परिषद में भेजा है तो बहुत पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी इसको आगे बढ़ाने के लिए
इसको मजबूती देने के लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई के ऊपर ही हमें निर्भर रहकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, पार्टी को मजबूत करना होगा। और जब राज्यसभा में हमें लोग चुनकर भेजने और विधान परिषद में, तो हमें फिर दूसरी पार्टियों की तरह तो बड़े बड़े धरना से लोगों ने ही बल्कि बीएसपी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही हमें भेजना है। और अभी तक हमने ऐसे लोगों को ही चुनकर दिया। इस प्रकार से इनके ऐसे अनेकों सभी षड्यंत्रों हथकंडों आदि से भी अपनी पार्टी के लोगों को हमेशा सावधान रहना, तभी फिर हमारी पार्टी आगे बढ़ सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोगों ने मेरी आज बताई गई सभी बातों पर अमल करके मैं अपने दिल्ली यहाँ अपने दिल्ली प्रदेश में अपनी पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बड़े पैमाने पर बढ़ा लिया और यहाँ आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में, प्रदेश में आगे होने वाले लोकसभा चुनाव में भी सभी विरोधी पार्टियों को वे खासकर बीजेपी को कमजोर कर दिया तथा अपनी खुद की पार्टी बीएसपी को मजबूत बना लिया, तो तब फिर मैं यही मानकर चलूंगी कि आप लोगों ने मेरे राज्यसभा से दिए गए इस्तीफे का भी इनसे अपना ब्याज से बदला भी। और अब अंत में आपको ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि इस बार देश में लोकसभा के आम चुनाव समय से पहले भी होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके तो 20 विधायक हैं, तो वो उनकी मेंबरशिप वो चली गई है, इसको लेकर ये कोर्ट कचहरी में गए हैं। और भी विधायकों के मामला जो है वो संदिग्ध है, मतलब वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो 20 विधायकों की जिस सरकार पर उनकी मेंबरशिप गई है, तो ऐसे ये लोग कोर्ट में गए हैं, तो हो सकता है कि चुनाव से बचने के लिए तो आम आदमी पार्टी भी तो असेंबली यहाँ समय से पहले चुनाव कराने के लिए असेंबली विरोध करके यहाँ लोकसभा के साथ यहाँ के विधानसभा चुनाव करा दे, ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन यदि नहीं भी कराती है, आम आदमी पार्टी असेंबली बंद नहीं करती है और समय से चुनाव होता है, तो उससे पहले जिन भी सीटों पर इनके जो विधायक है तो जिनकी मेंबरशिप खारिज कर दी गई है, तो उन सीटों पर तो चुनाव जरूर होगा, उन सीटों पर चुनाव जरूर होगा। मेरा आप लोगों से ये कहना है, बाई इलेक्शन होगा, तो वैसे तो हम लोग बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये जो 20 सीटें हैं काफी ज्यादा सीटें हैं, तो हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश में ये 20 सीटों पर बाई इलेक्शन, तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमने दिल्ली प्रदेश को कई जोन में बांटा हुआ है, ये 20 सीटें जिस भी जोन में आती हैं, तो जोन के इंचार्जों की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन सीटों को तैयार करें। और ये 20 सीटें हम लोग अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने तो ताली बजाकर मेरी बात का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगेगा यदि 20 सीटों में से आप ज्यादा से ज्यादा सीटें आप लोग बीएसपी के लिए जिताकर तैयार हैं। तो ये इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को आज की हुई इस आपका जो दिल्ली प्रदेश का जो ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो इसके कामयाब होने के बाद आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया है, तो इसके बाद अब आप लोगों को बिल्कुल भी आराम से ठंडे होकर नहीं बैठना है, बल्कि आपको एक दो दिन के बाद से ही अपनी पार्टी के कार्यों में जी जान से युद्ध स्तर पर जा रहा है। और खास तौर से जिन 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उधर आपको रात
के लोहन कर क्षेत्र को तैयार करना है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसके साथ साथ ही चुनाव के साथ साथ जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं वहाँ पर आप लोगों को अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं तभी फिर आप लोग अपने दिल्ली प्रदेश में यहाँ आगे होने वाले सभी चुनावों में अपनी पार्टी का अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से निकाल लेती हूँ। कैंडी क्या बात बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 आदरणीय बहन जी आते आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं।